हाय फ्रेंड्स, मैं पूर्वा आप लोग का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर की सीरीज़ 129 के बारे में। और आज हम यहाँ पर बात करेंगे 14 नवंबर 2020 के मध्य प्रदेश करंट अफेयर के बारे में। सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली टू ऑल। और आज का हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सुप्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक स्वर्गीय सलीम अली का जन्म दिवस राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया गया। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, वन विहार। हाल ही में 12 नवंबर, ठीक है, 12 नवंबर 2020 को मध्य प्रदेश के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जू भोपाल में सुप्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक स्वर्गीय डॉक्टर सलीम अली का जन्म दिवस राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया गया। और इस मौके पर पक्षी दर्शन शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 40 प्रतिभागियों ने वन विहार में पाए जाने वाले पक्षियों की जानकारी प्राप्त की। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रतिभागियों ने स्थानीय पक्षियों ग्रीन बी ईटर, इंडियन रॉबिन, ब्लैक ड्रोगो, रूफरा ट्री पाई, स्पॉटेड डक, किंग फिशर, जकाना, टिटहरी तथा हेरोन को नज़दीकी से देखा। और प्रवासी पक्षियों जैसे रेड मुनिया, ट्राई कलर मुनिया, बुली नेक स्टॉर्ट और आईबीज, लॉर्न कार्मोरेट का भी अवलोकन किया। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता राजगीर एवं मोहम्मद खालिक भोपाल बर्ड्स ने प्रतिभागियों को अहम जानकारियों से अवगत कराया। और इस मौके पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, इनका नाम भी आपको याद रखना है, श्री सत्यानंद जी, और संचालक वन विहार श्रीमती कोमोलिका मोहंता भी मौजूद थे। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है उसके संचालक कौन है, तो श्रीमती कोमोलिका मोहंता और यहाँ की अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक हैं श्री सत्यानंद जी, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, उससे पहले बता दूं कि अगर आप लोग परीक्षा ऐप के माध्यम से, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप पर टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं और लाइव वीडियो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो आप लोग परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ मॉक टेस्ट वगैरह भी हैं मध्य प्रदेश के सभी एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ और लाइव वीडियो कोर्सेज वगैरह और फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट वगैरह भी अवेलेबल हैं। और जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ वगैरह हैं उसको आप परचेज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर कूपन कोड यूज़ करना है MSUCCESS40, तो इसमें आपको फ्लैट 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये अभी जेल पहरी की टेस्ट सीरीज़ पर चल रहा है 40% डिस्काउंट। और आप लोगों को पता है जो जेल पहरी का एग्ज़ाम है 20 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप लोगों की प्रिपरेशन हो गई है और आप लोग अपनी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं कि किस टाइप का एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसा पैटर्न रहता है और विद इन टाइम लिमिट आप लोग कैसे करें, तो इसकी प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, जिससे एक प्रैक्टिस भी हो जाए और एक आपको पता चल जाए कि आपका कितना स्कोर आ रहा है और कितना आपने कवर कर लिया है, कौन सा सब्जेक्ट या टॉपिक वगैरह आपके वीक हैं, तो आप उनको अभी भी कवर कर सकते हैं। तो आप लोगों को कूपन कोड यूज़ करना है MSUCCESS40 और इसको ज्वाइन करना है। और भी अन्य सीरीज, टेस्ट सीरीज वगैरह जैसे ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, लेबर इंस्पेक्टर और आपका जेल पहरी, MPSI, MP पुलिस कांस्टेबल वगैरह और सब इंजीनियर वगैरह की भी अवेलेबल हैं, तो आप लोग उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी पर आपको कूपन कोड यूज़ करना है MSUCCESS40। और अभी अगर यहाँ पर बात करें तो सब इंजीनियर और MPSI की टेस्ट सीरीज पर MSUCCESS60 कूपन कोड चल रहा है, ठीक है, और ये दिवाली ऑफर पर चल रहा है। तो आप लोग अगर सब इंजीनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या MPSI की, तो आप उसके लिए MSUCCESS60 कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं और फ्लैट 60% का डिस्काउंट अभी पा सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में प्रदेश का कौन सा जिला स्मार्ट मीटर स्थापना वाला प्रदेश का दूसरा जिला होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, रतलाम। मध्य प्रदेश का रतलाम शहर में रेडियो फ्रिक्वेंसी तरीके से रीडिंग देने वाले अत्याधुनिक स्मार्ट मीटर 18 नवंबर से लगाए जाएंगे। और बिजली कंपनी की इस उपलब्धि पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम सिंह तोमर ने बधाई दी। और इंदौर शहर के बाद अब पूरे रतलाम शहर में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।
ठीक है। तो स्मार्ट मीटर की स्थापना करने वाला प्रदेश का अगर पहले जिले की बात करें तो पहला कौन है प्रदेश में, तो इंदौर है, ठीक है, इंदौर शहर। और दूसरा यहाँ पर अब रतलाम जिला बन जाएगा, ठीक है, रतलाम शहर। और यहाँ पर 18 नवंबर से स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में मध्य प्रदेश के प्रणय खरे ने कहाँ आयोजित इक्विटी चैलेंज सो जंपिंग 2020 में स्वर्ण और रजत पदक हासिल किया है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, बेंगलुरु। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकेडमी के खिलाड़ी हैं ये प्रणव, यहाँ पर प्रणव खरे, ठीक है। तो इन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पदक जीता है और मध्य प्रदेश का मान बढ़ाया है। इन्होंने घुड़सवारी अकेडमी के प्रतिभावान खिलाड़ी हैं और बेंगलुरु में आयोजित इंटरनेशनल राइडिंग स्कूल द्वारा आयोजित इक्वेस्ट्रियन चैलेंज सो जंपिंग 2020 में एक स्वर्ण और एक रजत पदक इन्होंने हासिल किया है। और प्रणय ने सो जंपिंग के 1.30 मीटर ओपन कैटेगरी इवेंट में स्वर्ण पदक और 1.20 मीटर ओपन कैटेगरी में रजत पदक जीता है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग इसमें स्पर्धाएं हुई थी अलग अलग डिस्टेंस की, तो एक 1.30 मीटर की थी और एक 1.20, तो 1.30 मीटर वाले में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, और 1.20 वाले में इन्होंने रजत पदक जीता है, ठीक है, यानी कि सिल्वर मेडल। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आगे हम बात करेंगे तो उन्होंने यह पदक अपने घोड़े वनीला स्काई के साथ प्रदर्शन करते हुए अर्जित किए, तो ये आपको याद रखना है कि इनका जो घोड़ा था उसका नाम क्या था, वनीला स्काई। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। और इन पदकों के साथ प्रणय खरे ने अभी तक कुल 163 पदक हासिल किए हैं या अर्जित किए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है कि जो प्रणय खरे हैं ये अभी तक कुल 163 पदक हासिल कर चुके हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर हम बात करेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने रोजगार वृद्धि प्रयासों के लिए किसको पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, जिलों को। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रोजगार वृद्धि के लिए व्यवस्थित और सार्थक प्रयास करने वाले जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा और स्ट्रीट वेंडर कल्याण योजना और स्व सहायता समूहों के माध्यम से लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने और आय का साधन मजबूत बनाने के प्रयास भी बढ़ाए जाएंगे और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप जनता के सामने रखा गया है और इसी के अकॉर्डिंग ठोस कदम उठाए जाएंगे। और जो राज्य के जितने भी जो जिले हैं वो अच्छा प्रयास करते हैं रोजगार निर्माण में और रोजगार वृद्धि में, तो उनको पुरस्कृत किया जाएगा। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, हाल ही में उच्च शिक्षा यूजी में एडमिशन यानी अंडर ग्रेजुएशन में एडमिशन या प्रवेश लेने के मामले में प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, इंदौर। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित ऑनलाइन व कॉलेज लेवल काउंसलिंग के जरिए एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अगर इसमें हम बात करें तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स में मध्य प्रदेश का इंदौर शहर प्रथम स्थान पर आया है और भोपाल की अगर हम बात करें तो ये भोपाल की जो रैंक है वो दूसरी है, भोपाल दूसरे स्थान पर आया है यूजी में एडमिशन के मामले में। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंदौर शहर में कुल 39,322 एडमिशन के साथ इंदौर पहले नंबर पर रहा है, मतलब इतने इसमें ज़्यादा हैं। यहाँ पर 39,322 एडमिशन यूजी में हुए हैं इंदौर में और भोपाल में अगर हम बात करें तो 21,868 एडमिशन अंडर ग्रेजुएट कोर्स में हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है। और थर्ड नंबर पर अगर हम बात करें तो सतना है, ठीक है, मध्य प्रदेश का सतना थर्ड नंबर पर है इसमें और यहाँ करीब 16,506 एडमिशन हुए हैं, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट में।
सभी कोर्सेस के आपके, लेकिन ग्रेजुएशन में होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। हालांकि ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में अंशिका गुप्ता को मध्य प्रदेश सरकार ने किस जिले का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा, सीधी। सीधी शहर के एक निजी स्कूल की छात्रा अंशिका गुप्ता को मध्य प्रदेश सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा है अंशिका गुप्ता, और इनको इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड के मौके पर सीधी जिले की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। और पढ़ाई के साथ अन्य क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाली छात्राओं को यह मौका दिया जाता है। और अंशिका इंडियन नेशनल शूटिंग स्क्वाड की सदस्य भी हैं, और इन्होंने खेलो इंडिया नेशनल यूथ गेम्स में इस साल 10 मीटर की एयर राइफल शूटिंग में सिल्वर मेडल भी जीता है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, 10वीं कक्षा की छात्रा हैं, ठीक है। और इन्हें अभी हाल ही में सीधी जिले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे 7th नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस में मध्य प्रदेश का IIT इंदौर देश में कौन से स्थान पर रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, पहला, ठीक है। और साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के मामले में मध्य प्रदेश का IIT इंदौर देश में प्रथम स्थान पर रहा है। और अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो इसकी रैंक 8th है, ठीक है, 8th नंबर पर है ये ऑल वर्ल्ड में। और अगर हम देश की बस बात करें इंडिया की, तो ये प्रथम स्थान पर है। IIT इंदौर के कंप्यूटर साइंस विभाग के छात्रों की टीम ने साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस वर्ल्ड वाइड यानी कि CSAW, ठीक है, CSAW प्रतियोगिता में 8वां स्थान हासिल किया है। और IIT की टीम ने देश में पहले स्थान पर रही है, ठीक है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी NYU का इंजीनियरिंग कॉलेज हर साल इस प्रतियोगिता को आयोजित करता है, और जिसमें कई देशों की टीमें शामिल होती हैं। और NYU की ओर से भारत में इस प्रतियोगिता को IIT कानपुर आयोजित करता है, और IIT इंदौर की टीम ने इसे 3 अलग अलग राउंड में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर ऑल वर्ल्ड में 8th स्थान और भारत में अगर बात करें तो प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर हम बात करेंगे 8th नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में दूसरे नेशनल वाटर अवार्ड्स में प्रदेश की किस जिले के दैनिक भास्कर अखबार को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, इंदौर। हाल ही में दूसरे नेशनल वाटर अवार्ड्स की घोषणा की गई है, और इसमें दैनिक भास्कर अखबार के जो इंदौर से प्रकाशित होता है उसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने दूसरे नेशनल वाटर अवार्ड्स की घोषणा की है, और जल संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में पत्रकारिता में मिसाल कायम करने पर दैनिक भास्कर को प्रथम पुरस्कार हिंदी अखबारों की श्रेणी में दिया गया है। और यह पुरस्कार इंदौर में प्रकाशित खबरों और अभियान के बाद 7 तालाबों की बाधाएं हटाए जाने और 16,000 से ज़्यादा घर प्रतिष्ठान पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जाने पर दिया गया है। और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया की मौजूदगी में हुए कार्यक्रम में दैनिक भास्कर के विशेष संवाददाता दीपेश शर्मा, इनका नाम आप याद रख लेना, तो दीपेश शर्मा को यह अवार्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिया गया है। और द्वितीय पुरस्कार अगर हम बात करें तो दैनिक जागरण मेरठ को मिला है, ठीक है। द्वितीय पुरस्कार किसको दिया गया है, और दैनिक जागरण मेरठ को, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे अब स्टैटिक GK की। उससे पहले बता दूँ कि कुछ ई बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं, और सभी पर अभी 50% का डिस्काउंट चल रहा है, और ये डिस्काउंट आपका 16 नवंबर 2020 तक रहेगा। तो आप लोग ऑफर का लाभ उठाएं और ई बुक्स को परचेज करें और अपनी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ बनाएं।
यहाँ पर MCQ वगैरह हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान 1000 प्लस MCQ और जनरल कंप्यूटर वगैरह के 1000 प्लस MCQ, जनरल साइंस के 1100 MCQ, मध्य प्रदेश करेंट अफेयर हिंदी में आपका है जनवरी से जून तक, इंग्लिश में जनवरी से आपका सेप्टेम्बर तक का मिल जाएगा। और भी अन्य ई बुक्स अवेलेबल हैं, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ जाकर इनको परचेज कर सकते हैं। और ये ई बुक्स बहुत हेल्पफुल हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर के क्वेश्चंस वगैरह का यहाँ कलेक्शन है और ये क्वेश्चंस इसी पैटर्न पर आते हैं और कुछ क्वेश्चंस तो रिपीट भी हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए आप इनको 2-4 बार रिवाइज करें तो आपके पूरे जो प्रैक्टिस है ये कवर हो जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और लेवल क्या है क्वेश्चंस का। और कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे इस नंबर पर। यहाँ पर हम बात करेंगे स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर का किला कौन सी शताब्दी में बनाया गया होगा। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक की पत्नी मध्य प्रदेश की किस जिले में पैदा हुई थी। तो यहाँ भी 4 ऑप्शन, एक राइट आंसर है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे कल के क्वेश्चन की सही आंसर की। तो यहाँ पर है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेत समूह है तो होशंगाबाद जिले में। और सेकेंड यहाँ पर था कि BS क्रिकेट अकेडमी प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर था, भोपाल, भोपाल के गौतम नगर, ठीक है, गौतम नगर एरिया में ये स्थित है BS क्रिकेट अकेडमी। तो ये आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन मतलब एक दो लोगों ने बताया था तो उनका गलत था, तो ये आपको याद रखना है कि भोपाल में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।